जी ख्वातीन और हजरात, हम लौट के वापस आ चुके हैं। शमशीर भाई, बिल्कुल हम वापस आ चुके हैं। कोई नई ताजी? बहुत दूर से हम वापस आए हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए। कोई नई ताजी सुनाए मैंने? बस खामोशी है, मेरी बात सुनते नहीं है। दूर से लौट के आएंगे क्या मतलब है? जो बंदा आपके बाजू में बैठा है उसकी भी बात सुन लो यार। वो बस अक्सर ये चिल्ला रहा है, चीख रहा है, वो कह रहा है कि भाई मॉडर्न दुनिया है और हम करीब वाले लोगों को ज्यादातर इग्नोर कर देते। अच्छा, मैंने देखे ना, मैं उस आपकी जुबान से मैंने वो कलिमात अदा करवा दिए जो मैं चाह रहा था कि वाकई आप मेरा इस्तेमाल करते, मुझे बोलने नहीं देते आप। हाँ, बोलने नहीं, वो मैं ये कह रहा था कि एक अमूमन रवैया पाया जाता है हमारे मुआशरे में। अच्छा, और आप उस रवैये को जो है ना फॉलो करते हैं? मैं फॉलो नहीं करता ऐसे रवैयों की तरवीज। हौसला शिक्री कर रहा हूँ कि भाई साथ वाले को नहीं बोलने देना। शमशीर भाई, आप कब सुधरेंगे यार? मैं उस वक्त सुधरूंगा जब मैं सुधरना चाहूंगा। नहीं, आप कहें ना, जब मैं आपसे अलग हो जाऊंगा तब मैं सुधरूंगा। तब सुधरेंगे जब हम सुधरेंगे। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में एक इंसान है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो आप खुद हैं। हाँ, क्या बात है, आपको भी ऐसी बातें पता है? मैंने आपकी वीडियो सुनी है जो मोटिवेशनल आपने। यार शमशीर, कब तक तुम जो है ना मेरा कंटेंट चुराते रहोगे? मैं आपका पीछा करता रहूं, चुरा के फिर जो है ना मेरे सामने आके मेरा कंटेंट मुझे बताया करूंगा। आंखों में आंखें डाल के आपको बताया करूंगा। ऐसा जमाना अंदाज कि तुझे अल्फाजों में और तुझे सवालों में उलझा कर हम तुझे बड़ी देर तक देखते रहते हैं। ओए होए, क्या कहा है जे भाई, समझ नहीं आई, दोबारा से कहो। और जो है ना मुझे समझ आ गई, पैदा करो मेरे लिए आसान अल्फाज में। मैं जो है ना, आप वो जो मेरे जहन के वो जो सफहात है, आपके जहन के जो बंद खुलियात है वो खुले हैं ऐसे, वो मैं खोल उनमें जुम्बेश हुई है, मैं खोल के रखता हूँ। कभी भी मुदल्लल और मुदब्बिर आर्गुमेंट मुझे सुनना मिल, हाँ, मिल सुनने को मिल जाएगा। कोई ऐसा जुमला आ सकता है जो मुदल्लल हो? लेकिन शमशीर भी, मैं आपको एक बात बता दूं। Yes. जिंदगी बहुत मुख्तसर है और इस जिंदगी में जो आपको दिमाग दिया गया है, कहा गया इसको इस्तेमाल करें, और इसको आप ना करें तो ये इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा भाई रहेगा। करो तो सही ना पहले, यानी कि पहले ये असूली फैसला किया जाए कि हमने दिमाग को इस्तेमाल करना है। और आपने ये समझा हुआ है कि भाई जब देखे, अगर आपके पास ये दिमाग है, आप ये डब्बा पैक वापस लेके जाओगे, आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। अवार्ड उस बंदे को मिलेगा जो अपना दिमाग सबसे ज्यादा इस दुनिया में खर्च करके जाएगा। ओह रियली? तो आखिरी फैसला यही है कि शुक्र है मैंने आपको आज एक काम की बात बता ही दी। नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो हमारा लिंक आएगा ना ब्रेक से पहले, हाँ, पहले उसमें का, आप इसमें आप जरूर कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे जो आपको किसी को मालूम रख देगी, जो किसी को मालूम नहीं होगी कि दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। ये वैसे आज बहुत लोगों के लिए जो ना इंकशाफ की हैसियत रखती होगी आपकी ये बात, बहुत लोगों में शामिल है। खैर ये तो कहा। अच्छा शमशीर भाई, ये बताएं आप बचपन से ही ऐसे हैं या अब मेरे साथ रह रहे हैं? कैसे ज़हीन व फतीन? आपको क्या लगा मैं क्या कहूंगा, सच्ची बताना। यकीन करें मुझे, ये पसीना आने की वजह क्या थी? ये और वजह है। नहीं, ये खौफ है। किस चीज का? किसके बाजू में बैठ गए हो शमशीर? तौबा, ये कौन सा फैसला कर लिया आपने? हमेशा अच्छे फैसले करते करते ऐसा फैसला कैसे कर बैठे हो? किस बंदे पे इत्मीनान कर? काफी दिनों से अच्छा फैसला करते करते आज आपने क्या फैसला कर दिया है? यार हो जाता है शमशीर भाई, फैसले किए नहीं जाते, हो जाते। आप जो करते हैं मेरे साथ, हाँ, ये भी ऐसे हो जाते? नहीं जाते, ये हो जाता है। मेरी कोशिश होती है मैं ऐसा ना करूँ आपके साथ। अल्लाह इसका, यार आपको पता है ना इम्पैक्ट कितना दूर रस होता है। हाँ बिल्कुल, लोगों को एहसास होता है कि जेब और शमशीर भाई की दोस्ती ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ऐसे, हाँ, गुंधी हुई है, गुंधी हुई है। देखिए भाई, जेब भाई को जरा भी नहीं बोलने देते शमशीर भाई, लेकिन जेब भाई ने कभी कोई एतराज नहीं खड़ा किया कि यार शमशीर भाई मुझे प्लीज बोलने दिया करो मेरे साथ ऐसे। इन जुमलों को उल्टा कर दिया जाए, ऐसे मेरे साथ जो है ना रवैये ना रखा करो। प्रोड्यूसर साहब, इन जुमलों को उल्टा कर दिया जाए। अच्छा शमशीर, ऑन एयर जाने से पहले पहले उल्टे हो जाए, इसको फ्लिप कर दें। अच्छा शमशीर भाई, सारी बातें छोड़ें, ठीक है ना, हमने काम की बातें बहुत कर ली हैं जी, अब जो है ना एक अमल भी कर देते हैं बातों से हट के। काम ये है कि हमारे पास एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी कमर्शियल ब्रेक पहुंचने वाली है, रस्ते में है, ठीक है ना, बिल्कुल तैयार हो। बातों का सिलसिला यहीं पे खत्म करना, हाँ, है क्या? क्योंकि हम बातों के मुजाहिद नहीं है, हाँ, हम अमल करके दिखाते हैं कि कमर्शियल ब्रेक जब आएगी तो हम उसको कैसे ऑन द एयर करेंगे। ओके ठीक है ना, हम बहुत सारे एक्सपर्टीज हैं जो, हाँ, यहाँ पे